और अब बात अयोध्या की, जहां श्रद्धालुओं का मानो सैलाब उमड़ रहा हो और लगातार उमड़ रहा हो। रामलला के दर्शन के लिए भारी भीड़ है। भीड़ को काबू में करने के लिए पुलिस लगातार लगी हुई है, प्रशासन लगातार लगा हुआ है, लेकिन भक्तों की जो भारी भीड़ है वो लगातार बढ़ते जा रही है। तो अयोध्या में श्रद्धालुओं का सैलाब एक तरह से उमड़ा हुआ है और तकरीबन 3 लाख श्रद्धालुओं ने दर्शन कर लिए हैं, लेकिन अभी भी 3 लाख से ज्यादा की जो भीड़ है वो इंतजार में है, कतार में है प्रभु राम के दर्शन करने के लिए। और ऐसा नहीं कि ये भीड़ सिर्फ उत्तर प्रदेश से आ रही हो, पास के जिलों से आ रही हो, ये पूरे देश से लगातार भीड़ पहुंच रही है, भक्त पहुंच रहे हैं। खुद सीएम योगी पहुंचे, उन्होंने अयोध्या का बाकायदा हवाई सर्वे भी किया है, क्राउड मैनेजमेंट को लेकर उन्होंने निर्देश भी दिए हैं। और ये भीड़ हर कोई रामलला की उस अद्भुत और दिव्य मूर्ति के दर्शन करना चाहता है, निहारना चाहता है अपने आराध्य को, अपने बाल आराध्य को। न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर आस्था के सैलाब की एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। बड़ी चुनौती अलग अलग पुलिस बल के लिए। 2 दिनों से ये आसपास के जिलों में, जहां इन्हें रोक लिया गया क्योंकि अयोध्या जाने की इजाजत थी नहीं, आसपास जिसे जहां मिला वो वहीं टिका रहा। और अब जबकि अयोध्या और ये अद्भुत मंदिर आम लोगों के लिए खोला गया है, तो वो जनसमूह, अपार जनसमूह मानो अपने आराध्य को आस्था का समर्पण करने के लिए पहुंच चुका है। अब तक जो आंकड़ा है उसके मुताबिक तकरीबन 3 लाख श्रद्धालुओं ने प्रभु श्री राम के दर्शन कर लिए हैं, रामलला के दर्शन कर लिए हैं। और अब अभी भी एक अनुमान के मुताबिक तकरीबन 3 लाख लोग ऐसे हैं जो दर्शन के लिए कतार में लगे हुए हैं, इंतजार वो कर रहे हैं। अलग अलग जगह से ये भक्त पहुंचे हुए हैं, कोई महाराष्ट्र से है, कोई पश्चिम बंगाल से है, कोई असम से है, कोई मध्य प्रदेश से पहुंचा हुआ है। एक कतार में पूरे हिंदुस्तान को अगर पिरोया जाए तो वो अयोध्या में ये तस्वीर बनती है। 3 लाख श्रद्धालुओं ने दर्शन कर लिए और 3 लाख तकरीबन अभी भी इंतजार में है। एक और महत्वपूर्ण बात, एहतियातन आवागमन ट्रांसपोर्टेशन बंद कर दिया गया था, लिहाजा ये लोग आज ही नहीं पहुंचे हैं, ये 3 दिन से रामलला का इंतजार कर रहे हैं। उस दिव्य अद्भुत मूर्ति, सजीव मूर्ति, अरुण योगीराज की उस अप्रतिम मूर्ति को देखना चाहते हैं। दर्शन करना चाहते हैं, आशीर्वाद करना चाहते हैं। सदियों का इंतजार है, दशकों का इंतजार है, और शायद यही वजह है कि हर कोई चाहता है एक बार पहले दिन दर्शन हो जाए, ताकि इतिहास में वो भी दर्ज हो जाए कि हां हम वो हैं, हमारी पीढ़ी वो है जिन्होंने रामलला के प्रथम दिन दर्शन किए। और यहां एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं।